बात एक बड़ी चर्चा जिसकी हो रही है वो है बड़सर में जो 55 लाख रुपए मिले थे, पकड़े गए थे, वो कहां गए। पहली बात तो ये कि इस बात को लेकर हमने आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर भी इस बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर डिमांड कर रहे थे कि ये पूरा मामला है क्या। चुनाव के मौसम में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन आरोप सही हैं गलत हैं इसकी परख जनता ने करनी है। अभी जो 55 लाख की जो पूरी कहानी है, क्योंकि सभी जो मीडिया के आउटलेट्स हैं उनमें ये इशू आया, पब्लिकली छपा भी, और उसके बाद जो जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था उन्होंने कोर्ट जाने की धमकी भी दी। लेकिन आगे इसमें चीजें क्या रहेंगी वो बात करेंगे, लेकिन साथ में ये बात होगी कि इस चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के बाद कोर्ट कचहरी ज्यादा क्यों होने वाली है, जिसमें ऐसा लगेगा कि आगे मामले कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जो नेता हैं वो कोर्ट में आपको लड़ते हुए दिखेंगे, लेकिन ये ज्यादा ऐसा इस बार क्यों लग रहा है वो भी बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की इंक्रीमेंट को लेकर अब ऑर्डर हो गया है। पहले हम बात करते थे कॉन्ट्रैक्ट की पेंशन को लेकर, हमने सबसे पहले आपको बताया कि एजुकेशन ने फाइनेंस में फैसला होने से पहले इसको लागू कर दिया है। दूसरी तरफ शीला देवी वाली फाइल राज्य सरकार या मुख्य सचिव ने लॉ को क्यों भेजी है वो आपको बात बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि आज कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की इंक्रीमेंट देने के ऑर्डर किस केस में दिए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। बिजली कट की बात करेंगे, हिमाचल में लगे उद्योग परेशान है, बीबीएन का बुरा हाल है और रीजन क्या है उसकी बात भी करेंगे। सरकारी स्कूलों पर भी आज एक कोर्ट का ऑर्डर आया है, और इसी के साथ एक हकीकत चंबा जिला की मिली है जहां पर एक तरफ सरकार कह रही है कि हम इंग्लिश मीडियम शुरू करेंगे, दूसरी तरफ जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल हैं वो ऐसे हैं कि वहां टीचर ही नहीं है। तो ये दो चीजें एक साथ आपको बताएंगे, साथ में मौसम की बात करेंगे। देखिए हिमाचल लगातार हाई टेम्परेचर से, ये आप कहिए हीटवेव से, परेशान था। आज बहुत सारे जिलों में बारिश हुई है, एक तरह से सडन एक रुख है ये मौसम का, क्योंकि इन चार दिनों में 25 तारीख तक हीटवेव की अलर्ट जारी किया गया था, येलो अलर्ट, और आज इस तरह की बारिश होगी, इस तरह का अलर्ट पहले था भी नहीं, लेकिन आज ये बारिश हुई है। शिमला से लेकर कांगड़ा तक सभी अलग अलग जिलों में बारिश दर्ज की गई है, और इस कारण जो 27 मई तक मैदानों में हीटवेव का जो अलर्ट एक बना हुआ था उसको मौसम विभाग ने मॉडिफाई किया है, अलर्ट को वापस ले लिया गया है इस बारिश के बाद, और टेम्परेचर में भी थोड़ा सा जो है सुधार हुआ है, जो बार बार पारा चढ़ रहा था उसमें, तो ये राहत की बात मौसम के लिए है। हालांकि जो हमारे मैदानी जिले हैं वहां पर ये बारिश अगली फसल को भिजने लायक है या नहीं इसके बारे में अभी कृषि विशेषज्ञ ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी मॉनिटरिंग को लेकर थोड़ा सा वक्त चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बिजली कट से जो उद्योग परेशान है। देखिए बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ एसोसिएशन की बात करें तो उनका फीडबैक लगातार आ रहा है कि जो बिजली कट चल रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है। 3 दिन पहले शिमला तक सारा शाम के वक्त अंधेरा हो गया था, बिजली कट हो गई थी और पंचकुला फीडर से ही डाउन हो गया था। जनरली ये माना जा रहा है कि हिमाचल में इस बार क्योंकि डिमांड ज्यादा थी और ओवरड्रॉल कई बार ग्रिड से हो रहा है उसके कारण लाइनें फेल हो रही हैं। लेकिन ये तो थी बात जो घरेलू उपभोक्ता थे, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बीबीएन का एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा उद्योग लगे हैं, उद्योगों को सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। बिजली बोर्ड के पास रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जिसके ऊपर हम क्वालिटी पावर दे सकें, और इसी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। आने वाले दिनों में किस तरह से ये सुधार होगा वो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है बिजली बोर्ड के मामले में वो ज्यादा अच्छी दिखती नहीं है। चुनाव के बाद पहला एक जो सरकार के पास डिसीजन पेंडिंग है वो है कि उनको जो ओल्ड पेंशन है उसको लागू करना है। दूसरी तरफ बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी हुई है कि आपने अपने बजट में बिजली बोर्ड के लिए 750 करोड़ रखे हैं, जबकि आपका जो टोटल खर्च है वो 2000 करोड़ के आसपास का बन रहा है। लायबिलिटी आपकी जो आपने नीचे रेगुलेटरी कमीशन में भी इस बार जो टैरिफ बढ़ा था उसको लेकर गारंटी दे रखी है, तो बिजली बोर्ड को लेकर सिचुएशन काफी ग्रिम है। ये किस तरह से सुलझेगी वो आगे चीजें पता चलेंगी, क्योंकि 125 यूनिट अभी फ्री चल रही है, 300 यूनिट फ्री करने की गारंटी कांग्रेस ने दी हुई है, तो किस तरह से होगा क्या होगा ये चुनाव के बाद सिचुएशन होगी। लेकिन अभी जिस पे संकट आया है वो है राज्य के उद्योग, और अगर इसी तरह से बिजली कट लगते रहे तो जो रोजगार हिमाचल के युवाओं को या इन उद्योगों में मिला है वो भी रिस्क पे है, और जो जीएसटी राज्य सरकार को आता है उसमें भी एक तरह से जोखिम अब रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट की इंक्रीमेंट को लेकर आज एक ऑर्डर हुआ है। देखिए इससे पहले आयुर्वेद से शीला देवी का एक मामला था, शीला देवी केस जिसको कहा जाता है, वो था कि पेंशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को भी ऐड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक सरकार उसमें हारी, उसके बाद उसको लागू अब करना है। लागू करने को लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, कमेटी ने सारी चीजें कर दी और एक ऑफिस मेमोरेंडम बना दिया, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर में यह कहा गया है कि जिन भी कर्मचारियों की 10 साल की एलिजिबिलिटी पेंशन की पूरी हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को मिलाकर, उनसे ऑप्शन लेने के बाद उनको ओल्ड पेंशन दी जाए। सरकार ने इस जजमेंट को लागू करने से बचने ये कई तरह की कोशिशें की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, और उसके बाद अब इसको लागू करना पड़ रहा है। लागू करने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी ने इसको फाइल को भेज दिया है, ऑफिस मेमोरेंडम बना के सरकार को, मुख्य सचिव ने पिछले कल इसको लॉ सेक्रेटरी को भेज दिया है ये कहते हुए कि 2 दिन के अंदर वो इसको वापस कर दें, उसके बाद इसको लागू करने को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो जाएगा। 1 महीने का वक्त कर्मचारियों को मिलेगा या पेंशनरों को मिलेगा जो रिटायर हो गए बिना पेंशन के कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस की वजह से।
क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस 8 साल थी, कई बार 6 साल भी रही, बीच में 5 साल भी रही, तो इस वजह से कई कर्मचारियों को नुकसान हुआ है, उनको अब उस तरह से जो ओल्ड पेंशन है वो मिल जाएगी। लेकिन इसी से रिलेटेड एक केस है, श्यामलाल वर्सेस राकेश कंवर, कंटेंप्ट पिटीशन थी सेक्रेटरी एजुकेशन के खिलाफ, और इसी मामले में हमने आपको कहा था 2 रोज पहले कि सेक्रेटरी एजुकेशन ने फाइनेंस या सरकार से फैसला होने से पहले अपने विभाग में पिटीशनर्स के मामले में इन ऑर्डर्स को लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। कल 22 तारीख को हाईकोर्ट में केस लगा था, उसमें राज्य सरकार की ओर से कह दिया गया एफिडेविट दायर करके, और ये एफिडेविट दायर किया गया जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है उनकी तरफ से एफिडेविट दायर किया गया रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 की तरफ से। द एफिडेविट इंडिकेट्स दैट एन अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन 20/5/2024 फॉर इंप्लीमेंटिंग द जजमेंट डेटेड 31/10/2023 जो श्यामलाल वर्सेस स्टेट के केस में दी गई थी। फर्दर दिस अप्रूवल हैज बीन कन्वेड टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑन 20/5/2024 सेम डे ही कर दिया गया। हाउएवर द ऑर्डर डेटेड 20/5/2024 अपेंडेड विद द कंप्लायंस एफिडेविट शोज दैट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हैज डायरेक्टेड द ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस नालागढ़, श्यामलाल जो यहां से पटिशनर था, डिस्ट्रिक्ट सोलन टू सेंड पटिशनर्स पेंशन केस टू द कंपिटेंट अथॉरिटी इन पर्सन बाय काउंटिंग ऑफ हिज सर्विस रेंडर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ ऑल कोडल फॉर्मेलिटीज, इसका केस भेजने को कह दिया। टिल डेट द डायरेक्शन इन द फोरसेड कम्युनिकेशन हैज नॉट बीन इंप्लीमेंटेड, दिस इज द ग्रीवेंस ऑफ द पटिशनर। Another point which has been highlighted by the petitioner, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा लागू होने के एफिडेविट देने के बाद जो एक नई चीज उठाई गई उसमें कि that in the term in terms of the aforesaid decision the contractual service was not be counted towards annual increments। इनका यह कहना था कि ये तो ठीक है कि पेंशन के लिए तो काउंट करने के ऑर्डर हो गए, लेकिन जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस थी उसको एनुअल इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं किया गया है, तो उसको भी किया गया। देर इज नो रेफरेंस इन द कंप्लायंस एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स अपेंडेड along with it about grant of due and admissible benefit to the petitioner in terms of decision rendered in his favor. The judgment in petitioner's favor has not been implemented in letter and spirit by the respondent. जो सरकार है उसने as it is लागू नहीं किया जैसे कि कोर्ट ने ऑर्डर किए थे। By way of indulgence at the request of additional advocate general 4 weeks further time is granted to do the needful, यानी कि अब 4 हफ्ते का और टाइम दिया है सरकार को ये इंक्रीमेंट भी देने के लिए, और अब केस लगेगा 27 जून 2024 को। मतलब यह हुआ कि जो केस पेंशन के लिए लगा था कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस की पेंशन के लिए उसमें अब जो इंक्रीमेंट है वो भी देनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की, और जो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट है वो भी देने पड़ेंगे, ये दो चीजें साथ में देने पड़ेंगी। 4 हफ्ते का टाइम सरकार को अब और दिया है और उसमें अब क्या होता है वो आगे पता चलेगा। तो ये एक बड़ा ट्विस्ट इस मामले में है पेंशन के ऑर्डर में, जिसको आने वाले दिनों में अब आप लोग देखेंगे कि सरकार किस तरह से इसको करेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राज्य सरकार जब चुनाव के बाद वापस आएगी तब तक ताज मोहम्मद भी इंप्लीमेंटेशन पर आ जाएगा, और अभी तो शीला देवी वाला ही चल रहा है, तो ये सिचुएशन किस तरह जाएगी ये आने वाला समय बताएगा। और दूसरी तरफ से 16th फाइनेंस कमीशन भी आने वाला है, वो जून के आखिरी सप्ताह में उनका दौरा भी है। अगली बात करेंगे बरसर में मिले 55 लाख रुपए कहां गायब हुए और क्यों आगे चुनाव कोर्ट कचहरी की तरफ को जा रहा है ज्यादा, दोनों चीजों को लेकर एक बात है। देखिए सिचुएशन ये है कि भोरंज के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिकाऊ विधायकों को जो बरसर में पकड़े गए 55 लाख बिकाऊ विधायकों के थे, और बरसर में जो पकड़े गए वो जो हैं वो हाँ इन्हीं के थे भी। उसके बाद क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है सबको इस पर भरोसा करना चाहिए, और उसी तरह से मीडिया वालों ने भी किया, सेम डे सारी चीजें उसमें छपी भी। लेकिन आज तक ये बात लगभग अब तीसरे दिन में अब हम बात कर रहे हैं, आज तक डिस्ट्रिक्ट के जुरिस्डिक्शन में चाहे डीसी हमीरपुर हो चाहे एसपी हमीरपुर हो उनकी डिक्शन में कोई मनी रिसीव नहीं हुआ है, ना मनी रिसीव हुआ है, ना मनी सीज हुआ है, ना एफआईआर हुई है, ना कोई इस तरह का कोई व्यक्ति पकड़ा गया है। अब दो तरह की सिचुएशन हमारे सामने है, हम ये मान के चलते हैं अभी बाकी तो चीजें सरकार बताएगी कि वो पैसा मिला किसको, किसने पकड़ा और कहां गया, एफआईआर कहां है, या एफआईआर ना भी है तो एटलीस्ट ये घटना कहां की है। लेकिन अभी तक सरकारी रिकॉर्ड में ना मनी मिला है, इधर ईसीआई से भी जब हमने बात की तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि टोटल जो सीजर है वो 80 लाख के आसपास का अभी तक का हिमाचल में हुआ है, और उसमें बरसर के 55 लाख कहीं उनके रिकॉर्ड में नहीं है। जहां तक बात एडमिनिस्ट्रेशन की मैं आपको पहले बता चुका हूं, वहां भी कोई इस तरह का रिकॉर्ड पे चीज नहीं है, तो ये कहां गायब हो गए अब ये सरकार ही बता सकती है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर सीएम ने कहा है तो उसके कुछ वजह होगी और उनके पास कुछ फीडबैक होगा, कुछ सोर्सेज का होगा, पुलिस का होगा, या कहीं से कोई इनपुट होगा, और वो इनपुट जब तक नहीं आता तब तक हम यही मान के चल रहे हैं कि वो 55 लाख कहीं गायब हो गए हैं, वो आएंगे। लेकिन जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के बागी और बीजेपी के अब प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ झूठ है और वो अब इस पूरे मामले में कोर्ट जा रहे हैं।
आज इसी तरह की बात हो गई कुटलैड में भी, और कुटलैड में भी जो कहा उसके बाद कि वहां कोई छोटी अटैची आई है और वो उसको ढूंढ रहे हैं पुलिस वाले भी, और ये जैसे कि है कि बिक गए थे जो भुट्टो है, और भुट्टो ने भी फिर रिप्लाई किया, और भुट्टो ने रिप्लाई में बड़ी सारी चीजें कही हैं लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उनका मुख्य फोकस ये था कि वो कॉन्ट्रैक्टर हैं और एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर पिछले कई सालों से हैं, 10 करोड़ की मशीनरी उनके पास है, इनकम टैक्स भरते हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ है तो सरकार के पास पुलिस है, प्रशासन है, वो गिरफ्तार करें, मामला दर्ज करें, जो भी करना है वो करें, लेकिन ऐसे झूठ बोल के काम नहीं चलेगा और वो इस मामले को भी अदालत में ले जाएंगे। एक केस अदालत में पहले से है जिसमें पिछली बार जो पेशी थी उस पेशी से पहले मुख्यमंत्री को समन ही नहीं मिला था, तो ये जो ये किया था जहां तक मुझे याद है ये सुधीर शर्मा की तरफ से किया गया था, वो भी मामला इसी तरह के बिके हुए के कंसेप्ट का है। चुनाव में कई सारी चीजें चलती हैं, चुनाव में आप अपना जो बात है वो मतदाताओं तक उनके दिमाग में तक पहुंचाने के लिए कई तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सारे तरीके जो है वो आप कोर्ट कचहरी में जाने वाले हैं, और ये डेफामेशन और बाकी सारी चीजें आपको पता है बहुत लंबा चलते हैं, और इनको फिर इनसे बचने के लिए या तो इनको प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में, या फिर वहां पे कोर्ट में खड़े होकर सॉरी बोलना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है, और ऐसे बड़े बड़े लीडर जो है माफी मांग चुके हैं यहां से लेकर दिल्ली तक, तो इसमें कोई उस तरह की नई बात है भी नहीं। लेकिन अभी तक जिस तरह से चुनाव चल रहा है उस चुनाव में अब कोर्ट कचहरी के मामले आगे लंबे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर, चुनाव प्रचार की चीजें किस तरह चल रही है। देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, सुबह नाहन में होंगे, दोपहर बाद मंडी में होंगे, और मंडी में इस रैली को करवाने के लिए आज जयराम ठाकुर पूरा दिन पड्डल मैदान में देखे गए, इंतजामों को देखने में लगे हुए थे, सारी चीजें कैसी किस तरह से हुई। लेकिन यह सिर्फ पड्डल मैदान की बात नहीं है, जब से कंगना रनौत को टिकट मिला है मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री का मैक्सिमम समय मंडी में गया, आप यह कह सकते हैं कि वो मंडी में फंसकर रह गए हैं, मंडी में अटक गए हैं, और अटक गए हैं इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक बार बीच में जब शिमला में प्रचार नहीं उठ रहा था, उनकी जरूरत थी तो उन्होंने 2 दिन शिमला संसदीय सीट पर लगाए, कांगड़ा में भी उनकी वैसे जरूरत है अभी तक नहीं जा पाए, मंडी शिमला में भी आ पाएंगे अभी तक नहीं, ऊना में किस तरह से अगला शेड्यूल रहेगा वो भी सामने आना है, लेकिन उनका अगर मैं कहूं टोटल दौरों का तो 80% टाइम उनका मंडी संसदीय सीट पर लग रहा है। वैसे मंडी संसदीय सीट बड़ी भी है, 6 जिलों के विधानसभा क्षेत्र उसमें आ जाते हैं, और कंगना को टिकट देने के बाद विक्रमादित्य सिंह के साथ जैसी वहां वॉर चल रही है, शब्दों की मैं कह रहा हूं, बाकी वोट की वॉर तो 4 जून को ही पता चलेगा कि क्या वहां होता है, और क्या 2019 का जो एक इफेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहां देखने को मिला था 14 में भी 19 में भी वो इस बार देखने को मिलता है कि नहीं, वो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन एटलीस्ट क्योंकि प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है मंडी सीट से अब जयराम ठाकुर की, और इसीलिए वो उस सीट पर अटक के रह गए हैं। हालांकि अब आप देखिए दूसरी तरफ सिचुएशन यह है कि मुख्यमंत्री सुक्खू विक्रमादित्य की सीट पर नहीं गए चुनाव प्रचार के लिए, वहां पर सिराज में अभी मुकेश अग्निहोत्री गए थे, और उसके बाद मनाली में अभी आपने देखा होगा कि वहां से राजस्थान से सचिन पायलट भी आए थे, लेकिन सीएम का पूरा फोकस जो है वो बागियों की सीटों पर है जो बीजेपी के टिकट पर अब चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने अब पार्टी बदलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था, आज भी वो उन्हीं सीटों पर थे और पूरे एक हफ्ते में 5 दिन वो बागियों की सीटों पर लगा रहे हैं, तो उनका फोकस पूरी तरह क्लियर है कि मैंने 6 विधानसभा की जो सीटें हैं उन पर फोकस करना है, और विधानसभा की सीटों से ही विधानसभा के अंदर सरकार की मजबूती भी बनेगी, इनकेस बाद में कुछ और नहीं होता है। और दूसरी बात यह कि जो लोकसभा चुनाव 2 विधायक लड़ रहे हैं विक्रमादित्य सिंह और विनोद सुल्तानपुरी, अगर ये भी चुनाव जीत जाते हैं तो कांग्रेस को विधानसभा के अंदर अपना संख्या थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। वैसे 3 जून को स्पीकर जो है उन्होंने रखा है केस को, 4 जून को नतीजे हैं, ये डेट भी बड़ी, आप इस डेट को भी समझ सकते हैं कि ये क्यों स्ट्रेटेजिक है। 28 मई को हाई कोर्ट में इस्तीफे पर जो विधायकों का इस्तीफे को स्वीकार करने को लेकर केस चल रहा है उस पर सुनवाई है, 3 जून को स्पीकर ने अपने हियरिंग के लिए आखिरी हियरिंग के लिए टाइम दिया है, और 4 जून को नतीजे आने हैं। तो जो विधानसभा का ओवरऑल फिगर है, अगर 3 जून को स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं या इस्तीफा स्वीकार कर देते हैं तो ओवरऑल फिगर विधानसभा का 3 और कम हो जाएगा, तो मेजोरिटी मार्क और सेफ हो जाएगा। तो ये चीजें गणित है, अब लेकिन इस गणित के को और मजबूत करने के लिए जो मुख्यमंत्री सुक्खू हैं वो जुटे हुए हैं बागियों वाली सीटों पर, और बागियों वाली सीटों पर जहां जयराम ठाकुर भी दिखने चाहिए थे क्योंकि उन्हीं के दल के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने वोट किया था हर्ष महाजन को, लेकिन वो मंडी से वहां आ नहीं पा रहे, तो ये सिनेरियो अभी तक चल रहा है चुनाव प्रचार का। लेकिन इसके बीच अब जो चुनाव प्रचार का सिनेरियो है उसके बीच अब शुरू हो रही है स्टार वॉर, क्योंकि यहां तक बात थी जब 6th फेज से फ्री होने थे दिल्ली में लीडर, तो 7th फेज क्योंकि हिमाचल में है तो सभी यही आएंगे, वहां गर्मी भी बहुत है, हिमाचल में थोड़ा वहां के मुकाबले यहां आराम है तो एक तरह से वो फील गुड फैक्टर भी रहेगा। लेकिन कल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चुनाव में पहली बार आ रहे हैं, इस बार का अगर हम उनका टेम्पलेट देखें चुनाव प्रचार का, तो इस बार प्राइम मिनिस्टर का जो ज्यादा फोकस था वो दक्षिण की तरफ को था और हिमाचल या नॉर्थ की तरफ को फोकस कम था। दूसरी तरफ एक रीजन यह था कि जो माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो बेल्ट है या वहां के जो कुछ स्टेट्स हैं वहां पर ज्यादा जोर लगाने की इस बार जरूरत थी, जहां पर सरकारें टूटी हैं, नई सिरे से बनी हैं, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, तो इसीलिए नॉर्थ की तरफ को या हिमाचल की तरफ को उतनी रैलियां नहीं आ पाई। 19 में वो 2 बार दौरे कर गए थे, इस बार सिर्फ एक ही दौरा प्राइम मिनिस्टर का है, और ये कल है, अब सुबह 9 बजे नाहन में होंगे और उसके बाद मंडी के पड्डल मैदान में होंगे। और देखिए बीजेपी ने अगर सिर्फ शिमला और मंडी सीट पर प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है तो आप समझ सकते हैं कि इन्हीं 2 सीटों पर बीजेपी की नजर में ज्यादा कड़ी
मुकाबला है, कड़ी टक्कर है। कांग्रेस ने भी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने राहुल गांधी हमीरपुर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी तीन जगह आ रही हैं, और शिमला सीट की मैं बात करूं तो वो शेड्यूल भी आगे आपके सामने आएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कल आ रहे हैं 24 तारीख को, और 25 तारीख को आ रहे हैं अमित शाह, ये आ रहे हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना जिला के अंब में, और फिर धर्मशाला के जोरावर मैदान में, कांगड़ा जिला की रैली धर्मशाला में है। तो इन दोनों नेताओं को लेकर, क्योंकि जोरावर में है रैली तो सुधीर शर्मा भी होंगे, कांगड़ा संसदीय सीट की रैली भी होगी, और अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो मंडी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो 6 सीटों की कशमकश है उसको लेकर क्या कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। हिमाचल में जब क्रॉस वोटिंग हुई थी, बाद में ये एमएलए दिल्ली चले गए या पंचकुला चले गए, फिर ऋषिकेश चले गए, तो सीआरपीएफ उनके साथ थी, सीआरपीएफ उनके साथ अब भी है, सीआरपीएफ अमित शाह के अंदर आती है। तो अमित शाह आकर क्या कहेंगे हिमाचल के विधानसभा उपचुनाव को लेकर या लोकसभा चुनाव को लेकर, वो कल नजर रहने वाली है, कल प्राइम मिनिस्टर को लेकर, और परसों जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। तो ये शेड्यूल है 24 और 25 का। अब 25 को ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको रोहडू में बुलाने की तैयारी है, रोहडू में उनकी रैली हो सकती है शिमला संसदीय सीट को और पुख्ता करने के लिए। फिर 27 से 30 के बीच में जो है ये प्रियंका गांधी मंडी, शिमला और सोलन में रैलियां कर सकती हैं, और राहुल गांधी 26 को नाहन आ रहे हैं, जहां 24 को प्राइम मिनिस्टर हैं, उसी का जवाब 26 को नाहन में राहुल गांधी देंगे, और फिर ऊना भी राहुल गांधी जा रहे हैं, जहां पर अंब में अमित शाह होंगे 25 को, और 26 को राहुल गांधी होंगे ऊना में। तो ये शेड्यूल है स्टार वॉर का, जो आखिरी सप्ताह में अब शुरू होगी, और इस सप्ताह में जो जो चीजें होने वाली हैं वो पूरी तरह से चुनाव के प्रचार पर फोकस रहेगी, और इसमें जो रंग आपको अब देखने मिलेंगे उन्हीं रंगों के ऊपर अब यह सारा चुनाव चलेगा, क्योंकि हिमाचल में 30 जून को प्रचार खत्म हो जाएगा, 30 जून को, और उसके बाद 1 जून को वोटिंग है, 30 जून को इनके कोई प्रचार होगा नहीं, पिछली डेट को ही हो जाएगा, और 4 जून को फिर नतीजे आपके सामने होंगे। तो ये आज की कुछ प्रमुख बातें थी, आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक सरकार से संबंधित चीजें हैं, क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि अगर आपकी कोई जानकारी विभाग से संबंधित हो तो उसका रिप्लाई हम आपको दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।